तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में हर शख्स को एक चीज़ की कमी का सामना करना पड़ता है और वो है गैस की कमी। तो इस गैस की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है आज इसका नेमल बदल निकाला है और वो है कि हम लकड़ियों पे खाना पकाएं। और जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे दरख्त लगे हुए हैं, इन दरख्त की लकड़ियों को हमने काटा है और फिर हमने ब्लॉकों से जो है लाल ईंटें थी उनसे जो है चूल्हा बनाया है, फिर उससे हम पकौड़े बनाएंगे। तो चलें हम दिखाते हैं आपको कि हम पकौड़े कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, अब हम इनके पीस करेंगे। और ये हमारा चूल्हा बनाया हमने, ये लाल ईंटों से बनाया हुआ, इसके ऊपर जो है हम ये लकड़ियाँ तोड़ के रखेंगे। और ये लकड़ियाँ हैं छोटी सी, थोड़ी बहुत तोड़ लेंगे हम इसको। बहुत सख्त लकड़ियाँ, बहुत मुश्किल से टूट रही हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को तोड़ने के लिए। तो आखिरकार हमारा चूल्हा अब हो चुका है ये रेडी, और इसमें सबसे पहले हमने तेल गरम किया है। जावेद भाई ये क्या बना रहे हैं आप? ये वही बना रहे हैं मिर्चियों के लिए और आलू की टिकिया बनेगी, और इससे आलू की टिकिया, उसके अलावा पकोड़े भी बनेंगे। पकोड़े का मसाला अलग तैयार होगा। अच्छा चले, और ये मसाले आपने खुद तैयार करे? बिल्कुल बिल्कुल, जहरीले गुजराती कौन कौन से मसाले हैं ये? कौन कौन से मसाले डाले हैं आपने? अजवाइन डाला है, जीरा पीस के डाला है। ये नहीं बताते अब्बा, ये चीजें नहीं बताते। ये फ्रूट है हमारे, और ये हमने पानी में जो डुबोए हुए हैं ये इसलिए हैं कि ये ठंडा होने के लिए हमने पानी में डुबोया है इसको। और ये हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पे पूरी, इधर 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 ऊपर भी है टीम, ये पूरी टीम है हमारी। वो मुर्शिद, मुर्शिद ये मुर्शिद है हमारे, और ये यहाँ पे जो है वो फ्रूट कटिंग हो रही है। आपने पकोड़े बनाना सीखे हैं, ये कहाँ से सीखे हमें ये बताएं जरा? हमने हमारी दुल्हनिया से। अच्छा, यानी कि हमारी भाभी से सीखे आपने? हाँ, बिल्कुल, हमारी दुल्हनिया बहुत बड़ी मास्टर हैं, कुकिंग मास्टर हैं वो। अच्छा, तो घर में आप ही तो नहीं बनाते कहीं खाना? हम तो कपड़े भी धोते हैं साहब, चप्पल भी, बूट भी, सब हम ही करते हैं। तो ये हमारे गरम गरम पकौड़े जो तैयार हो चुके हैं, तो दिल तो कर रहा है मेरा इस वक्त अभी मैं निकालूं और खा लूं इनको, मगर अफ्तारी में जो है अभी वक्त है थोड़ा बाकी, तो इंशाल्लाह अफ्तारी में ट्राई करेंगे कैसे बने हमारे पकौड़े। फाइनली आज की हमारी अफ्तारी हो गई है मुकम्मल। अगर अफ्तारी के वक्त घर वाले ना हों तो अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। तो आज मेरे साथ मेरे घर वाले तो नहीं, मगर मेरे दोस्त बिल्कुल मौजूद हैं, मेरे उस्ताद बिल्कुल मौजूद हैं। सर कैसा लगा आपको यहाँ पे अफ्तारी करके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ऐसे जो है ना प्रोग्राम होने चाहिए, बहुत खुशी हुई है देखकर। हमारे दोस्त बैठे हैं सारे, सलाम करो सारे, हाथ दिला दो, हाथ दिला दो। हम करते हैं अफ्तारी, और अफ्तारी का वक्त हो चुका है।